सामने जा अल्हक जा अल्बातिल, उसमें लिखा है मुफ्ती और याद नबी कहते हैं कि वाहियों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में दिखाए जाते हैं। अगर दिखाए ना जाते होते तो मरने वाला क्या करना कि कौन सा आदमी था, या पूछते हैं ना कि इस आदमी के बारे में तुम क्या कहते हो, तो चाहिए देख ये था कि वो मरने वाला मजे कहता कि कौन सा आदमी है, तुम कौन सा, क्योंकि ये बात साबित नहीं पता लगा कि कब्र में दिखाया गया। हमने कहा वो तो यार साहब वो फोटो है खेले गया, उन्होंने किसी का भी नहीं पड़ी सही है। ये बात मुस्तकबिल को लाके इमाम बेदी की इस बात का उत्तर बहुत सी किताबों में सही सनद के साथ लिखा हुआ है कि जब फरिश्ते कहते हैं मा तकूलु फी हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में तो क्या कहता है, तो कहता है अय्युहुम रजुल, वो कहता कौन सा आदमी, कहते हैं अल्लाह की कोई सभी को जो तुम्हारे अंदर बेहतर ना था, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहता है कि कुल तो कुमार का अलग रास मैं तो उस तरह कहा जो लोग तकलीफ करता, तो इससे साबित हो गया कि मुफ्ती साहब ने जो इमारत बनाई थी सारी ठीक थी क्योंकि हदीस में आई है। तो कोई भी यह आपके सवाल है दिया मेरा कार्य चल रही है सवाल तेरा भाई भी जान नहीं है फारिक अल्लाह फीकुम, क्या मुशरिक और बिदअती इमाम के पीछे नमाज अज़ान पढ़ने चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, जिसको आप मुशरिक समझते हैं और सख्त बिदअती समझते हैं उसके पीछे बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। मन वक्का ऐसा है जो अभी कहते हैं फकर आम अला हद इस्लाम, इस सही हदीस से आदमी की किताब शरीया में मौजूद है, अगर बरादरी गांव के बंदे के फितने का डाल हो या अख्तलाफात का डाल उसके बारे में भाई अगर आपको जाना तो मुझे अपने साथ लेकर क्यों तो बोलना चाहिए, मेरे दिन जाए तो मेरे मुझे ही तो होने लगे। अगर कोई बंदा दाम कुरान की आयात से ही करे लेकिन उसका अकीदा अकीदा कोई ना हो तो उसे रद्द करवाना चाहिए ना करे, मन को कर साहिब आप साहिब अभी तक जो तक नाम लगा ना बिल्कुल ना करे, अरे तो ही कोई दाम खुद में शायद हमी साथ से ही कमता रहे शायद अल्लाह बरकत करे। ग्यारहवीं की खत्म का आगाज का हुआ ये मेरा सवाल नहीं है, ये यूं करते हैं कि मुझे और किसने दिया क्या अब्दुल कादिर जिलानी से यह साबित है आके साबित है या उनकी किसी की लिखी किताब मैंने तो भाई उनकी किसी की लिखी किताब में लिखा होगी उसे खाने में पर ना आया भी आ रहा है बिना ने पत्थर बिना से आपने आप से बचाए बिल्कुल बिना तो कभी हाल नहीं एक देखा नहीं। सवाल नंबर चार जो रस्में तो करवाना चाहे ये सारे मेरे नाते बरेली के सवाल आ गए, बरेली तुम्हारे मुझे मनवा था हमारे नाते में बरेली है 5% हो गई ऐसे लिखा यहाँ पंजाब तो बड़ा बड़े हैं अगरों का इलाका तो बरेली का है, जो रस्में तो करवाया जाता है उसमें शिरकत करना या किसी तरह का ताबून करना और उसका खाना खाना हलाल है या हराम बिल्कुल किसी किस्म की शिरकत ना करें खाए पीने का हुक्म है। एक हदीस होगा आपको सही हदीस से बताऊंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे वह अब बजा लेगा और अल्लाह के लिए भूख नहीं रहे वह आता लेगा और अपना माल सिर्फ अल्लाह के लिए वह मना आ लेगा और अपना माल रोक लेना भी पीछे मना के लिए फकत इस तक मना की ईमान उसका ईमान ये जो आदमी अमाल नहीं देगा ना चलो उसका ईमान ये जो मैं कहें कोई बता नहीं क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि जिस देर में कोई वो खत्म रह जाता है सिर्फ वो नहीं खा सकते बाकी खाना ठीक है ये तो कुछ नहीं तो खास के सुनिए और घरों में तस्लीम किया जाता एक वो एक रख एक और सुखान अल्लाह और बात ये कुछ तो है कि कहते हैं कि वो भी साथ में लीजिए एक वो नहीं मुर्दा मुर्दा को भी जो है ना वो पकाएगी तो देखा है कि हाँ चलो शोरमा दे तो शोरमा डाल देंगे तो उसमें वो बोटी भी आ गई तो कहता जो खुद आती है तो और बार बंदो का ये ख्याल है कि अगर आप कोई शक हुआ या उसके घर वालों के खिलाफ अगर कोई खौफ है तो नहीं रहते ये भी सभी काफी होते हैं और ऊपर परिंदों और जानवरों का डाल देना चाहिए
नहीं नहीं इससे कोई भी नाराजगी का इजहार नहीं करेगा, तफसील से जवाब, तफसील से जवाब आओ तो रात नहीं ना। अच्छा जी मान सही, अगर एक शख्स मुझे मैं थोड़ी देर से सुनता है कि जवाब तो मिलने की बात उसकी उड़का शुमार होती है, इस बारे में मेरी ताकीद ये है कि उड़का शुमार दे, इस बारे में मेरे मानामा हदीस में लिखा है गालिबन दो शुमार पहले या एक शुमार पहले जो है ना किस तरह उसमें ये जवाब वो दे सकते। कुछ लोगों के लिए उड़का हो जाती है वो कहते हैं कि इस तरह भी लगते हैं तो इस तरह की आदत के लिए दूसरे दलाए होते, लेकिन जो हमारी ताकी है वो इसलिए लाके है कि हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सिर्फ फातिह के होने नमाज के होते, इमाम बुखारी की एक ताकी के जो है एक वही ताकी। ये तो दूसरा सवाल है, अगर आप सवाल पूछा तो जल्दी, ये औरतों के साथ मुतलका सवाल है, कोई ये पूछ रहा है तो और मुझे पूछ जिसका आओ मेरे को कुछ है। अगर किसी शख्स को कोई मसला बन गया है और वो बेहद परेशान हो गए हो रहे, अगर उस मसले की रेशो देकर या कोई बात तय करके ये काम कर सकता है क्योंकि उसके पास उस किस्म के अलावा कोई राय नहीं है, और उसका बोले अगर ये क्या करे कि रिश्वत लेना जो है ना या देना है, क्योंकि एक हदीस में आता है सही एक सही हदीस है कि आकाश की वर्णन से नाली हुए चल रही है, एक सही हदीस है कि अल्लाह ने तुम्हारा आकाश बनो रिश्वत देने वाला नहीं मान को अल्लाह की तरफ तो ये रिश्वत हराम हो गई। रिश्वत के बारे में फरमाए का लुगत रिवायत कहते हैं अन्य है अब्दुल रफी की देख रहे हैं हजरत की रखा हो गया अब्दुल हजरत की रखा हो गया कि रिश्वत के लिए नाजायज काम भी कैसे करें, तो अगर किसी आदमी का कोई नाजायज काम है तो ये हराम है, नहीं है अगर जायज काम है उसका जल्दी में और वो काम भी कर गया मजबूर हो गया तो वो पैसे अगर देना चाहता है तो दे सकता है, उसके लिए जायज है, लेने वाले के लिए हराम है। अगर कोई शख्स अपनी बुराई के वक्त में एक बहन को तलाक दे देता है लेकिन बाद में अल्लाह की तौफीक से हिदायत याफ्ता हो जाता है और कुरान और सुन्नत का पाबंद हो जाता है और गुजरे हुए वक्त पर बहुत पछताता है और अब वो इस चीज का इजाला करना चाहता है, लिहाजा उसकी छोटी बहन से निकाह का ख्वाहिशमंद है, क्या उस शख्स को रिश्ता दे देना चाहिए कि ये उनकी मर्जी है, निकाह हो जाता है अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी ना उसको अब वो उसके पास से भी उसके घर में तलाक दे के रुजू कर दिया और उसको मिला कि उसकी बहन को